एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मुझे हो रही थी हल्की सी हेडेक, तभी मैंने बांधा है दाठू। सो पहाड़ी लैंग्वेज में दाठू, तो हेडेक सी हो रही थी तो मैंने सोचा इसे बांध देती हूँ। और टाइम हो रहा है 6 बजे के आसपास। ऑफिस से मैं 5 o'clock के अराउंड आ गई थी, 5:15 पे पहुँच गई थी, और उसके बाद हेडेक सी हो रही थी। तो मेरा मन कर रहा है, चाय पीने का मन नहीं कर रहा, मैं सोचूं आज कॉफ़ी बनाऊं, वो भी डेलगोना कॉफ़ी। जिन्होंने डेलगोना कॉफ़ी का नाम नहीं सुना है तो वो मैं आपको बता दूं कि घर पे आप बना सकते हैं इजीली, और आपको दिखाऊंगी किस तरह की होती है। सो चलिए चलते हैं किचन। और मतलब कि सरदर्द सी हो रही है। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो चलिए गाइस, चलते हैं किचन और बनाते हैं डेलगोना कॉफ़ी। और किस तरह बनती है, मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है बट शेयर कभी नहीं किया, सोचा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए बता देती हूँ। सो गाइज, ये सिंपल सी कॉफ़ी बनाने के लिए आपको कॉफ़ी चाहिए, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, ब्रू ले सकते हैं, नेस्कैफे ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नेस्कैफे ब्रांड की कॉफ़ी है, और थोड़ी सी आपको ले लेनी है कप में ये। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे मिल्क भी गर्म करने के लिए लगा दिया है, और आज ही घर पर मिल्क आना शुरू हुआ है। सो बस इसे आपको सिम आँच पे गरम करना है, और आपको कॉफ़ी में बस यही ऐड कर देना है गरम मिल्क। अब यहीं पे काम होता है डेलगोना कॉफ़ी को बनाने का। बस आपको जितना ज़्यादा आप इसे अच्छे से स्टर करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से फेंटेंगे, उतनी अच्छी आपकी कॉफ़ी बनेगी। तब तक फेंटना है आपको जब तक ये क्रीमी सा टेक्सचर ना डेवलप हो जाए। तो मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो मैंने बस कम टाइम के लिए इसे फेंटा था। और आप चाहें तो मतलब टेस्ट जो डेवलप होता है डेलगोना कॉफ़ी का, वो इसी वजह से होता है, जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना अच्छा टेक्सचर आएगा और उतने अच्छे से आपकी कॉफ़ी टेस्टी बनेगी। और इसके बाद बस मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 to 6 मिनट ही फेंटा था, आपको 10 to 15 मिनट लग सकते हैं। इस तरह का टेक्सचर हो गया था, और एक एक्स्ट्रा कप में मैंने मिल्क लेके ऐड कर दिया था, और अच्छे से मतलब मिक्स कर दिया था सभी चीज़ों को। आप चाहें तो लेयरिंग भी कर सकते हैं, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई। बट तरीका मैंने आपको बता दिया है, जितना अच्छे से फेंटेंगे, जितना क्रीमी टेक्सचर होगा उतना सही रहेगा। आ गई हूँ रूम, और हेडेक बहुत हो रही है, और होप कि ये कॉफ़ी थोड़ा सा रिलीफ दे देगी। चाय पीने का मन नहीं था, तो आप चाहें तो इसे और ज़्यादा फेंट सकते हैं, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने थोड़ा इसे स्टर किया है। आपको इसे कॉन्टीन्यूसली स्टर करते रहना है जब तक कि प्रॉपर तरीके से कॉफ़ी आपकी गाढ़ी ना हो जाए, एक थिकनेस ना आ जाए। तो उसके बाद आपको प्लेन दूध ले लेना है कप में, टॉपिंग कर देनी है, जो भी आपका कॉफ़ी से थिक सा बैटर तैयार होगा, टॉपिंग करके फिर मिक्स कर देना है, फिर आपकी डेलगोना कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। बहुत टेस्टी बनती है, हल्का सा शुगर डाल सकते हैं, और जिन लोगों को शुगर नहीं पसंद है शक्कर भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी है, और क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है, और मार्केट में भी आपको इसी तरह से मिलती है। अभी मैं फ़िलहाल कॉफ़ी पी के थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ गाइस। थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लिया था, टाइम हो रहा है 8 बजे के आसपास, थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक है, और हेडेक भी थोड़ी सी ठीक हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ आज बनाती हूँ आलू गोभी की भुर्जी। किस तरह बनाती हूँ, बहुत सिंपल है, और कभी अगर आपको ज़्यादा ऐसे टाइम वाली सब्जी नहीं बनानी है तो इंस्टेंट बना सकते हैं। आप प्याज भी स्किप कर सकते हैं, मैं हल्का सा प्याज डालूंगी, लहसुन डालूंगी, उस तरह से बनाऊंगी, और अभी कुछ ज़्यादा ऐसे बनाने का मन भी नहीं है। सो गाइस, बहुत ही इंस्टेंट जल्दी बनने वाली सब्जी है, तो यहाँ मैंने आलू गोभी को कट कर दिया है, और हाफ़ अनियन और गार्लिक एक चिली को कट करके रख दिया है। तो सबसे अच्छी बात होती है इस भुर्जी को बनाने की, ये काइंड ऑफ भुर्जी है, ज़ीरा और धनिया इसमें मस्ट होता है, इन्हीं दो इंग्रेडिएंट से आपकी ये सब्जी रेडी हो जाएगी। बट मैंने यहाँ पे हाफ ऐसे ही अनियन कट कर लिया था, आप स्किप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे खड़ी मिर्च, और ताकि थोड़ा टेस्ट भी हो जाए और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगे। ये सब्जी गाइस टिफ़िन के लिए बेस्ट आइडिया है, और कभी भी कुछ ना सूझे, गेस्ट आ जाएँ, तो जल्दी जल्दी बनने वाली सब्जी है।
बस यहाँ पे अच्छे से होने देना है ऑयल को। अगर आप ज़ीरा और सिर्फ कोरिएंडर डाल रहे हैं तो बस ऐसे ही रखना है उन्हें, और उसके बाद ऐड कर देनी है डायरेक्ट गोभी आलू। हल्दी इसमें थोड़ी सी ऐड करनी है चुटकी भर, क्योंकि ज़्यादा येलो कलर भी सब्ज़ी का अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये भुर्जी जैसी है तो इसमें मसाले भी कम ही यूज़ होंगे। उन लोगों के लिए बेस्ट रेसिपी है गाइस जो लोग मसाले कम खाना पसंद करते हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई भी की होगी, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं भी की होगी। तो इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी थी। हल्का सा यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बस इसी स्टेज पे आपको सारे चीज़ें डाल देनी है, इसके बाद ऐड कर देनी है गोभी और आलू। आलू बिल्कुल बारीक चॉप करने हैं ताकि जल्दी पक जाए, क्योंकि गोभी जल्दी पक जाती है। पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि वॉश करने के बाद गोभी आलू पानी छोड़ता ही छोड़ता है। बस सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छा कलर आता है गाइस। और यहाँ पे मिक्स हो गए मसाले, अब मैं इसे ढक दूँगी। इसकी बेस्ट बात यह है पकाने के लिए कि सीम आँच पे पकती है ये सब्ज़ी, बनती ही ऐसी है ये। और बिहार साइड या नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत बनाते हैं इसे, मेरे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है उन्हें बनाते हुए। और यहाँ पे मैंने साथ साथ लगा दी थी चपाती, मुझे दो ही चपाती खानी थी, हेडेक भी थी, बट ये था कि चलो कुछ बना लेती हूँ लाइट सा। तो इंस्टेंट बनने वाली सब्जी है गाइस, टिफ़िन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। हल्का सा सॉस डाल सकते हैं बच्चों के लिए, और बाकी जो ऑफिस जाने वाले आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए भी इंस्टेंट सब्जी है, और बहुत टेस्टी लगती है। कलर देखिए आप, लाइट्स इसी तरह का कलर होना चाहिए, लाइट सा, और ज़ीरा धनिया बस दिखना चाहिए। मतलब बहुत टेस्ट, अपने आप टेस्ट डेवलप होता है इस सब्जी में, और आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि इतने कम मसालों में सब्जी बहुत टेस्ट, मतलब बहुत टेस्टी लगती है। सो गाइज़ ये यहाँ पे रेडी है। इस स्टेज में आप हल्का सा बटर, घी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हाफ चम्मच के करीब घी ऐड कर रही हूँ, और ये देखिए बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। हाफ चम्मच के करीब मैं यहाँ पे घी ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए सॉस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह की सब्ज़ी पसंद तो आती है, बट सॉस करने के बाद वैल्यू और क्रिएट हो जाती है। कर लेती हूँ और टाइम होने लगा है 8:30 बजे के आसपास। जल्दी बन जाती है सब्जी, मतलब 20 मिनट्स में। सो साथ साथ मैंने चपाती भी लगा दी थी, और ज़्यादा नहीं, मैं 2 चपाती बनाई है, क्योंकि बस एक था कि कुछ खाना है और वैसे मन बिल्कुल नहीं था। सो चलिए फिर मैं अपना डिनर इन्जॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। और बहुत अच्छी बनती है, आप इसमें प्याज को स्किप कर सकते हैं, मैंने हल्का सा डाला था ज़ीरा और धनिया के बीच, ये बहुत टेस्टी, अपने आप में टेस्ट आ जाता है, हल्का सा लास्ट में घी डाल सकते हैं। सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। एवरीवन वेलकम बैक। सो गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए, अभी चेंज नहीं किया है, बस ऐसे ही रेडी हुई थी, अपना बैग तैयार किया है, और साथ पी रही हूँ मैं लेमन टी। सो अच्छा लगता है, कभी कभी पीना मन करता है पीने का। सो बाय द वे आपको पता है कि शिफ्ट हुई हूँ, सो थोड़ा सा यहाँ पे दूध वगैरह लगाने की प्रॉब्लम थी, सो वो भी लगा दिया है ऑनर से बोल के। सो पैकेट वाले दूध पे ना मुझे ट्रस्ट नहीं होता है, तो मैं सोचती हूँ कि काउ मिल्क हो तो ज़्यादा बेटर है। आज थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ है, और हेडेक भी थोड़ी सी मतलब ठीक हुई है, अदरवाइज कल से। और आज मैंने हेयर वॉश किया है हल्का सा। सो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे के आसपास, सो बस मैं अब रेडी होंगी ऑफिस के लिए। सो यही रहता है मेरा, आप लोगों के साथ मैंने थोड़ी सी शेयर की थी इस वाले व्लॉग में डेलगोना कॉफ़ी, सिंपल सी शाम का डिनर, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, हेडेक बहुत हो रहा था, और कॉफ़ी भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनी, बट आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से आपको बनानी है। और नेक्स्ट व्लॉग में और चीज़ें शेयर करूँगी। आज थोड़ा सा मेरा ऐसे ही होगा छोटा सा व्लॉग, क्योंकि पिछले कल थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, मैं सोचूं मैं एक दो दिन में लाइव आऊं, तो प्लीज़ गाइस मेरे लाइव को ज्वाइन कीजिएगा जो लोग नए जुड़ रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया मैं लाइव नहीं आई हूं, तो मैं सोची हूं मैं लाइव आऊँगी, बट ऑफिस होता है मॉर्निंग से शाम तक, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं
रात को ही आऊँ, मतलब कि 8 या 9 बजे के आसपास लाइव आऊँगी। जब भी आऊँगी नोटिफाई कर दूँगी और कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी, इंस्टा और फेसबुक पे भी डाल दूँगी स्टोरी में, ताकि आप लोग पहले ही थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए। और जो भी क्वेश्चंस है आपके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो आप, क्योंकि हर एक को कमेंट करने में आंसर देना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप लाइव में पूछ सकते हो। सो मैंने एक्चुअली मैं ना मॉर्निंग में, अभी टाइम है मेरे पास, तो मैं शाम के लिए दाल वगैरह पका के रखती हूँ, ताकि आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर सीधे ही डिनर बनाऊँ। सो मैंने मिक्स दाल लगाई है शाम के लिए। सो चलिए गाइस, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप देखते रहिए मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग्स। आज का व्लॉग मे भी आपको थोड़ा सा ऐसा ही लगे, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, बट कुछ ना कुछ तो अपडेट करना है आप लोगों के लिए। सो यही है गाइस, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा प्यार कीजिए, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और अच्छा लगता है आने वाले व्लॉग्स के लिए, थोड़ी सी और मैं डेडिकेटेड हो जाती हूँ। सो बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइज़।